हाँ, मैं एक शराबी घर से भाग कर आया हूँ। मेरे को बहुत मार पड़ती, मेरी माँ मर गई, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, और वो सौतेली माँ मेरे को इतना मारती थी, इतना मारती थी। नशे की दुनिया में जाना बहुत आसान था, चरस और गांजा कभी भी मिल जाता था। मिशन में जुड़ने से पहले मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बाबूलाल भला इंसान, वो मेरे और मेरे परिवार को बचाने के लिए मदद करता है, लेकिन लेकिन ये जमीन, ये मैं कैसे दे सकता हूँ? जमीन खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो पागल हो गया, वो बर्बाद हो गया। बाबूलाल ने दूर जबलपुर में अपील लगा दी, एडमिटेड, फिर रायपुर में एडमिटेड, फिर जगदलपुर में एडमिटेड, फिर रायपुर में एडमिटेड, एडमिटेड। मेरे नथुनों में इसके सिवाय कुछ भी तो नहीं है, और बारिश में टपक कर मेरे बालों में, चेहरे पर, कंधों तक टपकती है। मुझे संघर्ष करते हुए 15 साल हो गए, ये गलाजत और अन्याय भरी जिंदगी से लड़ने के लिए आखिर हम दलितों ने मिलके ह्यूमन राइट ग्रुप बना लिया। जब मैं पास से गुजरती, मेरी सहेलियां मुझ पे थूकती, फुसफुसाती। उस शाम हमारे दोस्तों और उनके परिवार वालों ने हमारे घरों को घेर लिया, वो हमारे खून के प्यासे थे, फिर वो हम बेटों। तो बड़े कितने लोग मारे गए? सैकड़ों, हमारे परिवार के ही 16 थे। तुम बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोलती हो। मैं झूठ नहीं बोलती, झूठी 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 झूठी। एक दिन मैंने मेरे दफ्तर के बाहर मरियल सी, दबी दबी सी, सैमी सैमी सी नारेबाजी सुनी। साहब, साहब, मदद करो साहब, बाहर निकला। देखा तो कुष्ठ रोगियों का एक समूह खड़ा था। साहब मदद करो, मदद करो। उनकी मांगे भी बहुत मामूली थी, पेट भरने को भीख मांगता। लोग दूर से ही किचड़ में रोटी फेंकते। तब मैं 7 साल का था, और ये सब था 20वीं सदी में। इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्या मैं खुद नहीं कर सकता? पर एसडीएम साहब ने हार नहीं मानी, और नई शुरुआत हो गई। देखते ही देखते आशाग्राम आकार लेने लगा, रहने के लिए घर बन गए, एक आरोग्य केंद्र बन गया, एक कारखाना बन गया, और बच्चों के लिए स्कूल का मैदान भी बन गया। सोनी थी जिंदगी, अब कैसे जीती रे, कैसे जीती रे। सोनी थी जिंदगी, अब कैसे जीती।